अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज हम बना रहे हैं जिंजर चिकन। इसके लिए हमने बादाम लिया है, 4 हरी मिर्च, खसखस, 1 प्याज, 5 टमाटर और 2 स्पून अदरक लहसुन पेस्ट, और हमने लिया है काजू और धनिया। आप जितनी चाहे ले सकते हो, मैंने इतनी यहाँ पर लिया है काजू और बादाम, जितनी आपके पास हैं उतनी ले लें। फिर हम लेंगे एक बड़ी वाली कप पिसा हुआ खोपरा, आपके पास साबुत रहे तो साबुत भी ले लें। खोपरा, बादाम, हरी मिर्च, खसखस को हम ग्राइंड कर लेंगे इस तरह से। फिर हम इसमें डालेंगे अदरक लहसुन पेस्ट, प्याज, टमाटर डालकर फिर अच्छे से हम ग्राइंड कर लेंगे। फिर इसमें हम डालेंगे, ये देखिए हमने ग्राइंड कर लिया है। फिर हम इसमें डालेंगे धनिया डालकर भी हम ग्राइंड कर लेंगे। पहले से हमने 1/2 किलो चिकन को लाल मिर्ची पाउडर और नमक लगाकर रख लिया था, थोड़ा मसाला लगाकर इस तरह से हमने रख लिया था। फ्लेम को हमने ऑन किया है और हमने डाला है 2 बड़े वाले चम्मच ऑयल। फिर हम डालेंगे चिकन, जो पिसा हुआ मसाला है वो सारा हम इसमें डाल देंगे। फिर हम डालेंगे 1/2 स्पून मिर्ची पाउडर, क्योंकि हमने हरी मिर्च और पहले से मिर्ची पाउडर डाला है, इसके लिए मैंने थोड़ी 1/2 स्पून मिर्ची पाउडर डाला है। नमक 1/2 स्पून, 1 स्पून नमक और थोड़ा सा फूड कलर। इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से पका लेंगे इस तरह से। अच्छा मसाला पकने के बाद हम इसमें डालेंगे पानी, 1 कप पानी इसमें डालकर हम चिकन और इस मसाले को अच्छे से पका लेंगे। देखिए ये हमारा जिंजर चिकन पक चुका है। ज़्यादा इसको पतला भी ना करें और ज़्यादा थिक भी ना करें, इस तरह से ग्रेवी रखें। फिर हम डालेंगे इसमें, आप चाहे तो घी भी डाल सकते हो, मैं यहाँ पर तेल का ही यूज़ कर रही हूँ। फिर हम थोड़ा 1 चम्मच ऑयल डालकर काजू को हम ब्राउन कलर का कर लेंगे इस तरह से। देखिए इस तरह से जलाए नहीं काजू को, सिर्फ ब्राउन रखें। इस तरह से ब्राउन करके हम इन काजुओं को हमारे जिंजर चिकन सालन में डाल देंगे। कुछ भी डाउट रहा ना गाइस तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर पूछिए। देखिए इन काजुओं को हमने इस तरह से जिंजर चिकन सालन में डाल दिया है, ये देखिए इस तरह से। अब इसे हमारा सालन पककर रेडी है। इसको हम चावल में, बघारे चावल में, रोटी में खा सकते हैं, बहुत टेस्टी और मज़ेदार रहता है गाइस। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।